हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको Realme UI 3.0 के फ्यूचर के बारे में कुछ बताने वाला हूं, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और एक जो है और यहां पे हिडन फ्यूचर है यार, जो कि सभी के सभी मोबाइल फोन में काम करेगा। आपके पास Realme का मोबाइल फोन, ओप्पो का मोबाइल फोन या फिर Xiaomi का मोबाइल फोन हो, कोई भी आपके पास जो है स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छे प्रकार से काम करेगा यार, काफ़ी सही फ्यूचर देखने को मिल जाता है। तो बहुत लोग को ये फ्यूचर के बारे में पता होता है जो मैं आज अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और बहुत लोगों को पता नहीं होता, जिनके यार पता नहीं है उनके लिए है। तो जैसे आप जो है कोई भी फोटो वगैरह को आप लोग जो है हाइड करने के लिए आप जो प्राइवेट सेप यूज करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैलरी में मेरा बहुत सारा यहाँ पे फोटो है, देख सकते हैं यहाँ पे 4,966 फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी जितना भी ये फोटो है यार मेरा अभी यहाँ पे गैलरी में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अभी इतना आपको देखने को मिला, जितना भी फोटो ये आपको देखने को मिल रहा है ये सारा फोटो यार गैलरी में है मेरा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसको जो है आप लोग हाइड करने के लिए, मतलब कहीं पे आप इसको मतलब सेफ रखने के लिए, गैलरी से रिमूव करने के लिए आप लोग जो है प्राइवेट सेप इस्तेमाल करते होंगे। जैसे मैं कुछ फोटो यहाँ पे हाइड करके दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैं इतना फोटो, चार फोटो यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे सेट एज प्राइवेट कर दिया, सेट एज प्राइवेट किया, देखिए यहाँ पे फोटो यहाँ पे कम हो चुका है और जो चार फोटो मैंने सेलेक्ट किया वो प्राइवेट में चला चुका है, यानी प्राइवेट सेप में चल गया है। तो अब जो है प्राइवेट सेप में जाने के बाद ही फोटो दिखेगा, देखिए यहाँ से भी हट चुका है, कम हो चुका है। तो अगर आप लोग जो बिना प्राइवेट सेप में इसको यहाँ पे मतलब हटाना चाहते हैं, बिना कोई भी एप्लीकेशन को आप जो फोटो को अपना बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन में, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। अभी देखिए इतना सारा फोटो यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यार एक सेकंड के अंदर यार सारा का सारा फोटो किस प्रकार से मैं यहाँ पे हाइड करके आपको दिखाता हूँ। अगर इसको आप लोग हाइड कर देते हैं तो हाइड करने के बाद आपका जो फोटो कोई भी मतलब देख नहीं पाएगा, कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यार बहुत ही आसान तरीका है, बहुत लोगों को ये पता होता है, देखते हैं इतना सारा फोटो है। तो चलिए अभी मैं आपको जो ये सारा का सारा यहाँ पे हाइड करके दिखाता हूँ। फोटो यहाँ पे देख लीजिए कैमरा में इतना सारा है। तो देखिए इसको हाइड करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो यार आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद और यहाँ पे आप लोग देखते हैं फोन स्टोरेज का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको सिंपली आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फोटो आपको पता होगा कि यार इसी फोल्डर में फोटो होता है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। और एक और यहाँ पे देखिए एक और फोल्डर है, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये एक नया जो है डुप्लीकेट फोल्डर बन चुका है। तो ये फोल्डर है यार बाय डिफॉल्ट जो है इसी फोटो में, मतलब इसी में यार कैमरा वगैरह का जितना भी फोटो आता है सारा कुछ इसी में है। तो यार मेरा अभी देखिए बहुत सारा फोटो इसमें, मतलब इतना 4,000-5,000 प्लस फोटो है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे हाइड करता हूँ। अगर आप लोग जो है इस फाइल को अगर आप लोग हाइड कर देते हैं, इसको अगर हाइड यहाँ से आप कर देते हैं, तो ये जितना भी फोटो आपको देखने को मिला, जितना भी आप जो है कैमरा से यहाँ फोटो लिए हैं, सारा का सारा फोटो यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो अगर आप जो है अपना फोटो को बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार कोई भी यहाँ मतलब आपका फोटो नहीं देखे, बिल्कुल प्राइवेट है, तो आप यहाँ से इस फोल्डर को हाइड कर दिए, यहाँ पे एक सेकंड के अंदर आपका सारा हट जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रीनेम का एक ऑप्शन आएगा, रीनेम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बिगिनिंग में आना है। बिगिनिंग में आने के बाद एक सिंपली यहाँ पे आपको डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको एक देखने को मिलेगा, सिंपली आपको जो ओके पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए फोल्डर यहाँ से हट चुका है, देख सकते हैं वो फाइल यहाँ पे हट चुका है, जो भी फोटो जिसमें मतलब क्लिक करने के बाद आता है वो देखिए यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे हट चुका है। तो यहाँ से हाइड हो चुका है। अब देखिएगा जितना भी ये फोटो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिएगा फोटो यहाँ पे बिल्कुल खत्म होता जाएगा, देख सकते हैं। मैं क्लिक किया यहाँ पे और क्लिक करते हैं, यहाँ से देखिएगा फोल्डर यहाँ पे जितना भी फोटो आपको देखने को मिला ये धीरे धीरे यहाँ से हटेगा। तो अभी यहाँ पे हट नहीं रहा, देख सकते हैं हटना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं फोटो यार ऑटोमेटिक यहाँ से कम होते जा रहा है, देख सकते हैं आपका यार फोटो ऑटोमेटिक हाइड होते जा रहा है, बिल्कुल प्राइवेट में जाता जा रहा है, कोई भी यहाँ से आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो देख सकते हैं यार पूरा का पूरा यहाँ से हट चुका है। और इस साइड में आएंगे तो कि यार इतना ही फोटो अब यहाँ पे बचा हुआ है, बिल्कुल मैं अभी लाइव आपको दिखाया हूँ। तो यार बिल्कुल आपका फोटो यहाँ पे हाइड हो चुका है, आपको प्राइवेट सेफ में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब यार आप लोग सोच रहे हो कि यार फोटो तो यहाँ पे हाइड हो चुका है, अब जो है किस प्रकार से उस फोल्डर को लाना है, यहाँ से देखिए फोल्डर भी हाइड हो चुका है। बहुत लोग को ये पता होता है लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोग जो फिर से गैलरी में फोटो अपना लाना चाहते हैं जितना ही आप जो हाइड किए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है और थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हिडन फाइल्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपली आपको बैक आना है और बैक आने के बाद फिर से आपको जो फोन स्टोरेज में जाना है और यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे वो फोल्डर है, यहाँ पे हाइड हो चुका है कुछ इस प्रकार से। और इस पर आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे फोटो आ चुका है और यहाँ पे जब तक ये फोल्डर रहेगा तब तक आपको जो यहाँ पे फोटो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपका फोटो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो फोटो बिल्कुल जो सिक्योर रहता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अब इस फोल्डर को फिर से मैं वापस लाऊं जैसे पहले था, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये डॉट आप लगाए हैं फर्स्ट में, इस डॉट को आपको रिमूव करा, रिमूव करने के बाद यहाँ से आपका जो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको फोटो को ये फिर से अनहाइड करके दिखाता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं रीनेम पे आता हूँ
और रीनेम पे आने के बाद जो डॉट आप लगाए थे उस डॉट को यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो चलिए मैं डॉट को रिमूव करता हूँ, उसके बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है और ओके पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखिएगा फोटो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, सारा फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हाइड किए तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फोटो आएगा, तो देख सकते हैं फोटो आना स्टार्ट हो चुका है कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से यार बड़े आसान के साथ आप अपना फोटो को लोड कर सकते हैं, फोटो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो चुका है। अभी यार बहुत सारा कम फोटो था, देखिएगा अभी लोड होते जाएगा फोटो आते जाएगा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यार काफी सही मतलब यार फीचर देखने को मिल जाता है, बहुत लोगों को पता होता है लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं यार पूरा का पूरा फोटो यहाँ पे लोड होता जा रहा है, जैसे मैं वो उस फाइल को मतलब यहाँ पे अनहाइड किया था देख सकते हैं सारा का सारा फोटो देख सकते हैं यहाँ पे आता जा रहा है आता जा रहा है। तो यार काफी सही फीचर देखने को मिल जाता है हमें, तो इसको आप जो इस्तेमाल करके बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के भी आप जो अपना फोटो को हाइड कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा देख सकते हैं। और ये सभी के सभी स्मार्टफोन में काम करेगा, आपको जो थ्री डॉट पे जाना है और वहाँ से अनहाइड का अनहाइड का ऑप्शन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से आप लोग जो एक्सेस कर पाएंगे। यार मेरा 4000 प्लस फोटो था, तो यहाँ पे 4000 जब तक नहीं हुआ तब तक यार कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होगा और सारा का सारा फोटो यहाँ पे आ जाएगा देख सकते हैं यार बिल्कुल ये फोटो लोड हो रहा है बहुत ही तेजी से। तो ये तो बहुत ही सिंपल था यार मैंने आपको बता दिया। अब अगर जो है आप लोग Realme UI 3.0 का अपडेट कर लिए हैं तो यार Realme UI 3.0 अपडेट करने के बाद यार बहुत सारा फ्यूचर भी आपको देखने को मिला होगा, और जिनको यार अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है Realme UI 3.0 का वो लोग हमारे Instagram पे कनेक्ट रहेगा, जब कभी यार आपका डिवाइस में आएगा नेक्स्ट अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो लोग यार इसको अपडेट कर लिए हैं तो यार इसके लिए भी मतलब इनके लिए भी यार काफी सही सही फ्यूचर हमें देखने को मिला है। तो अगर आप जो है उस फ्यूचर को देखना चाहते हैं, फ्यूचर को पूरा एक्सेस करना चाहते हैं कि Realme UI 3.0 में यार क्या क्या नया फ्यूचर देखने को मिला है, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उस वीडियो को आप जो आप लोग जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। सारा वीडियो के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके वन बाय वन देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ओमोजी का नया फीचर ऐड किया गया, ये भी मैं बना दिया हूँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तभी आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, देखिए एक और नया फीचर है तो इसको आप सर्च करेंगे तो ये भी Realme UI 3.0 का फीचर है। और ग्लेंस देखिए यार ग्लेंस किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताई, ये भी Realme UI 3.0 में नया फीचर देखने को मिला है तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक AOD का पूरा मैं रिव्यू इसमें बताया हूँ, 8 मिनट का वीडियो है काफी सही है, इसको आप लोग जाकर देख लीजिए काफी मजा आने वाला है। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा फीचर रिव्यू कर दिया हूँ UI 3.0 का। और यहाँ पे देखिए एक बैकग्राउंड स्टीम का भी नया फीचर लॉन्च किया गया है, तो यार काफी सही है बैकग्राउंड स्ट्रीम का भी। तो आप YouTube पे म्यूजिक प्ले करते करते इसको आप अनेबल करेंगे तो यार आपका म्यूजिक बिल्कुल प्ले होगा, स्क्रीन ऑफ भी कर देंगे तो काफी सही फीचर है, इसको भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है डुअल ऑडियो का फीचर देखने को मिलता है, जो कि यार मेरे को यार बहुत ही पसंद आया, काफी सही फीचर है, इसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए Realme X और Max में यार UI 3.0 अपडेट आने के बाद 30 प्लस फीचर का मैं रिव्यू किया हूं, तो इसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, काफी सही सही फीचर मैं इसमें रिव्यू किया हूं। तो ये सारा का सारा वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वो सभी के सभी वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जितना भी मैं लाइन में आपको बिल्कुल जो है UI 3.0 का फ्यूचर का वीडियो दे दूंगा, वहां से आप जो है वन बाय वन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, फिर सर्च भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, तो काफी सही सही फ्यूचर हमें देखने को मिल जाता है Realme UI 3.0 में। तो ये सारा का सारा आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और जो अभी मैंने आपको यार फाइल वाला बताया यार बिल्कुल भी आप जो इसको इस्तेमाल कीजिएगा, और जैसे ही आपका इस्तेमाल किया हुआ हो जाएगा, जैसे ही आप जो अपना फोल्डर को यहाँ पे अनहाइड करेंगे उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पे जाना है और इसको आपको यहाँ से ऑफ करना है ताकि जो है जितना भी हिडन फाइल है यहाँ पे रिमूव हो जाए। और किसी भी फोल्डर को आप लोग हाइड कर सकते हैं, आपके पास वीडियो फाइल हो या फिर कोई भी फाइल हो, आप डॉट लगा देंगे फर्स्ट में तो वहाँ पे आपका जो सारा का सारा वीडियो फोल्डर यहाँ से हाइड हो जाएगा। और देखिए यार फोटो मेरा यहाँ पे जो है लोड हो चुका होगा, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा कम्प्लीटली यार मेरा यहाँ पे फोटो लोड हो चुका है कुछ इस प्रकार से। यार बहुत ही शानदार फीचर देखने को मिल जाता है, बहुत लोग को इसके बारे में पता था लेकिन बहुत लोग को पता भी नहीं था। और अगर आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं आपको लेटेस्ट न्यूज प्रोवाइड करता हूँ, जब कभी भी नया नया अपडेट आता है तो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आपके डिवाइस में भी UI 3.0 का अपडेट देखने को नहीं मिला है तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन रहिएगा। तो अगर आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन रहते तो जब कभी भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन होइएगा। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।